All right. So today in this classroom, we are going to practice about present and past sentences. आज की इस क्लासरूम के अंदर हम प्रेजेंट और पास्ट सेंटेंसेस की क्लास प्रैक्टिस करेंगे। इसका मतलब है कि हमने दो स्पेसिफिक लैंग्वेज फंक्शंस को डिस्कस करना है। एक है फर्स्ट फॉर्म और दूसरा है सेकेंड फॉर्म। सही है? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जब भी आप प्रेजेंट की बात करोगे तो आप फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करोगे, जब भी आप पास की बात करोगे आप सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल। इट मींस व्हेनेवर यू आर टॉकिंग अबाउट प्रेजेंट देन यू हैव टू यूज फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड व्हेनेवर यू आर टॉकिंग अबाउट पास यू हैव टू यूज सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। फॉर एग्जांपल सर, जब गो वॉज और वर्ब नहीं लगाएंगे तब भी हम मतलब सेकंड फॉर्म यूज करेंगे या फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे वॉज और वर्ब राइट के साथ? नाउ वी आर नॉट फोकसिंग ऑन वॉज एंड वर्ब राइट वी आर ओनली फोकसिंग ऑन फर्स्ट फॉर्म एंड सेकंड फॉर्म राइट After that, we are going to focus on was and verb. But for your information, whenever you use was and verb, you use ing form. For example, I was going, I was playing, I was reading. उसमें आ जाएगा ये सर। All right. So when जब भी हम was and verb की बात करेंगे, तो हम ing form, मतलब fourth form of the verb का इस्तेमाल करेंगे. Getting it? तो सर ये कंटिन्यूस में आ जाएगा वॉज और वर्ब, Yes, प्रेजेंट yes, yes, पास yes. कंटिन्यूस में। Yes. लेकिन अभी हम वॉज एंड वर्ब पे नहीं जाएंगे, वो एक डिफरेंट टॉपिक है, हम उसको बाद में डिस्कस करते हैं। पहले हम फर्स्ट फॉर्म और सेकंड फॉर्म को डिस्कस करते हैं, क्योंकि ये हमारा आज का मेजर टॉपिक है। और नॉर्मली ज्यादातर जो स्टूडेंट्स जो ज्यादा आपका यूज होता है वो फर्स्ट और सेकंड फॉर्म का होता है। वॉज एंड वर्ब यूज करना आसान है, सेकंड फॉर्म को यूज करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। सो हम पहले आज की क्लास के अंदर फर्स्ट फॉर्म और सेकंड फॉर्म पे फोकस करेंगे, और हमारा ऑब्जेक्टिव ये होगा कि जब आज की क्लास खत्म हो तो आपको फर्स्ट फॉर्म और सेकंड फॉर्म के सेंटेंसेस बनाना आते हो, कम से कम आप यहाँ पे मिस्टेक नहीं करते। सही है? ठीक है सर। चलो इससे पहले कि हम आगे चले, मैं चाहता हूँ कि जल्दी से आप मुझे कोई तीन फर्स्ट फॉर्म और उसकी सेकंड फॉर्म्स बताओ, ताकि मुझे पता रहे कि आपको फर्स्ट और सेकंड फॉर्म की थोड़ी बहुत जो है वो इन्फॉर्मेशन, थोड़ी बहुत नॉलेज है। जैसे कि गो वेंट बोल दिया मैंने, इसी तरह। सर अभी दिमाग में नहीं आ रहे। ओके ओके, मैं आपको फर्स्ट फॉर्म बताता हूँ, आप मुझे इसकी सेकंड फॉर्म बताओ। सही है? ट्राई करो, इट इज नॉट अ टेस्ट, जस्ट डिस्कशन हो रहा है। तो अगर आप गलत भी होते हो तो कोई मतलब कोई इशू की बात नहीं, आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। ठीक हो गया? जैसे कि यूज, सो कैन यू थिंक अबाउट द सेकेंड फॉर्म ऑफ यूज? यूज, ऑल राइट, दैट्स गुड थिंग। प्ले, ऑल राइट, प्लेड। द लास्ट वन, कीप। सही, इसमें टी आ जाएगा। कीप, सो स्पेलिंग के-ई-पी, कैप, सी कैप्ट नॉट टी आ सी, जाएगा। के, कैप। ऑलराइट, नाउ दैट्स गुड थिंग, इट मींस दैट एटलीस्ट यू हैव सम बेसिक आइडिया अबाउट फर्स्ट फॉर्म एंड सेकंड फॉर्म। सो वी आर नॉट गोइंग इनटू द डिटेल ऑफ रेगुलर और इररेगुलर वर्ब्स राइट नाउ, वी आर गोइंग टू यूज इट इन आवर स्पीकिंग। सो व्हेनेवर we are talking about our daily routine, whenever I'm talking about actions that we do again and again in our life, I'm going to use first form of the verb. In negative, I'm going to use do. Whenever I'm talking about my past action, action that I did yesterday or today, I'm going to use second form. जब भी मैं अपनी रोजमर्रा की बात करूंगा तो मैं फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करूंगा, नेगेटिव में डिड नॉट लगाऊंगा और डू नॉट लगाऊंगा। और जब भी मैं अपने पास सेक्शन की बात करूंगा, ऐसा कोई काम जो मैंने कर लिया, आज सुबह किया, कल किया, 5 साल पहले किया, उसके लिए मैं सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल करूंगा। सही है? तो अब आप ऑब्जर्व करोगे पहले कि किस तरह मैं बात कर रहा हूँ, फिर आप बोलने की कोशिश करोगे। ठीक है? ठीक है। सो आई एम टॉकिंग अबाउट टुडे एंड यस्टरडे, मैं बात कर रहा हूँ कि भाई नॉट टुडे, डेली, एवरी डे, मैं रोजमर्रा की जिंदगी में क्या करता हूँ और मैंने कल संडे को क्या किया था। सही है? So every day I wake up around 10 o'clock in the morning, but yesterday I woke up at 11 o'clock. Every day I have breakfast with my family members, but yesterday I had breakfast with my friends. Every day I watch TV, but yesterday I watched a movie on Netflix. Every day I take online classes on Zoom, but yesterday I did not take any online class. Yesterday I went to the park. Every day I go to gym,
एंड आई वर्क आउट, आई डू सम एक्सरसाइज, बट यस्टरडे आई डिड नॉट गो टू जिम, यस्टरडे आई स्टेड एट होम एंड आई टुक सम रेस्ट. एवरीडे आई प्ले विद माई चिल्ड्रन, बट यस्टरडे आई डिड नॉट स्पेंड टाइम विद माई चिल्ड्रन, आई स्पेंड टाइम विद माई पेरेंट्स. Every day, I usually eat my dinner around 12 o'clock at midnight. But yesterday, I ate my dinner around 11 a.m. Not 11 a.m., 11 p.m., sorry. Now your turn. Today, I am walk early in the morning. But yesterday, I am... अच्छा, अच्छा, एक वन मिनट. टुडे नहीं बोलोगे, आप बोलोगे एवरी डे. टुडे का मतलब तो आज होता है, वो तो गुजर गया ना. तो आज मैंने मॉर्निंग में वॉक की तो गुजर गया. तो हम फर्स्ट फॉर्म का मतलब होता है रोजाना, एवरी डे, जो आपका हम रोजाना करते रहते. सही, टुडे पास्ट यस्टरडे, उसके लिए फिर सेकंड फॉर्म. एवरी डे आई एम वॉक अर्ली इन द मॉर्निंग. यहाँ पे एक और, अच्छा मैं आज आपको स्टार्ट नहीं रोक रहा हूँ ताकि आप अपनी मिस्टेक को बार बार करेक्ट कर सको. सही है. तो I am नहीं होगा, हमने एम तो कहीं भी नहीं पढ़ा. टुडे एवरी डे आई गो फॉर अ वॉक इन द अर्ली मॉर्निंग, एवरी डे आई गो फॉर अ वॉक इन द मॉर्निंग, बट यस्टरडे आई डिड नॉट गो, इस तरह करके एम नहीं लगाओ. सही है. एवरी डे आई लगाएंगे बस. यस, आई इन एक्शन. आई वॉक अर्ली इन द मॉर्निंग, बट यस्टरडे आई वॉक 10 o'clock. Yesterday I walked 10 o'clock at every 10 day p.m. All right. At, every day I am have dinner I 2 o'clock. Mm-hmm. But yesterday I had dinner 11 o'clock. All right. A.m. Every day I have shopping in Lucky One, but yesterday I had go Dolmen Mall. All right. Acha, yesterday I went to Dolmen Mall, not had. I went to Dolmen Mall. अब इसमें had नहीं लगाओगे, देखो हर sentence में had हम नहीं लगाते. Had या पे eat के बदले लगा रहे हो ना. तो अगर मिसाल के तौर पर जैसे क्लास क्लास में पढ़ा था कि ईट के बदले हेड आ गया पास्ट के अंदर, और प्रेजेंट को होगा तो ईट के बदले हैव हो जाएगा. लेकिन जाने के लिए तो आप हेड नहीं लगाओगे, उसके लिए तो आप गो बोलोगे या फिर वेंट. कोई मसला नहीं, रिपीट करो. Every day I have go to Lucky One, but yesterday I want to go. No. Every day I go to Lucky One for shopping. या चलो ये सही है, बोलो. Have नहीं लगा. Every day I go to Lucky One for shopping, but yesterday I went to go Dolmen Mall. Yesterday I went to Dolmen Mall. अच्छा went to go तो नहीं बोलेंगे ना. हाँ वो भी लगा दिया, went भी लगा दिया. Yes. तो क्या होना चाहिए? Went होना चाहिए. Go तो first form में आ गया ना. Exactly. अच्छा यहाँ पे एक छोटी सी बात. अच्छा अगर मैं बोलना चाहूँ कि मैं रोजाना तो लकी वन नहीं जाता, मैं ज्यादातर लकी वन जाता हूँ या अक्सर लकी वन जाता हूँ, तो एवरी डे के बदले मैं क्या बोलूंगा? आई यूजली. हाँ मतलब मैं अक्सर लकी वन जाता हूँ. तो सेंटेंस फिर कैसे होगा? या सम टाइम भी बोल सकते हैं. आई समटाइम्स, आई यूजली, यस. सो यूजली या सम टाइम को रिपीट करते हुए सेंटेंस को दोबारा से रिपीट करोगे? यूजली आई गो टू लकी वन. But yesterday I want to I went. Yeah, sir, ये went और went to में बड़ा मसला हो जाता है. अच्छा देखो आपने बोला want और went में फर्क होता है. Want मतलब चाहना और went मतलब जाना. Went मतलब जाना. सर ये want to और went में बड़ा मसला हो जाता है. हाँ want to मतलब कोई चीज आपको चाहिए, right? मिसाल के तौर पे ये आपकी requirement है. जैसे कि I want to learn English, ये मेरी requirement है, मुझे English सीखनी है, ये मुझे चाहिए. लेकिन went मतलब तो पास है ना, मतलब आप गए. सर ये ना जबान से ना went to निकल जाता है. इसकी आसान टेक्निक है कि आप आराम आराम से बोलो. जैसे आप तेज बोल रहे हो ना, तो आप तेज नहीं बोलो. डू नॉट स्पीक फास्टर, ट्राई टू स्पीक स्लो. फॉर एग्जाम्पल, आई यूजली गो टू लकी वन फॉर शॉपिंग, बट यस्टरडे आई वेंट टू डॉलमेन मॉल. अब देखो मैंने कितना आराम आराम से बोला.
स्पीक स्लो, डोंट स्पीक फास्टर, क्योंकि जितना आप स्लो बोलोगे उतना आपके ब्रेन को टाइम मिलेगा सेंटेंस को कंस्ट्रक्ट करने का, आपकी मिस्टेक को फोकस करने का कि यार ये सेंटेंस गलत है या सही है या ऐसे बोलूं या वैसे बोलूं. तो स्पीक स्लो, डोंट स्पीक फास्टर. तेज़ बोलोगे तो अननेसेसरी मिस्टेक होगी. ठीक है. यूजली आई गो टू लकी वन बट यस्टरडे आई वेंट टू डॉलमेन मॉल. परफेक्ट, बेहतरीन हो गया. एक और सेंटेंस ट्राई. ठीक है. समटाइम आई ईट बिरयानी but most of the time I eat dal chawal. I क्या बोलेंगे सर? But yesterday, confused हो रहे हो. Take a deep breath, take a deep breath, relax. सारा pencil, notebook सब side पे रख दीजिए. Have you know? Take a deep breath and relax, and then speak again slowly. Usually I have biryani, but yesterday. But I had pizza in lunch. Perfect, 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 perfect. One more sentence, just one last sentence. Okay, sir. Sometime I क्या बोलेंगे? मैं movie को enjoy करती हूँ. Sometimes I enjoy movie. अच्छा हर जगह have नहीं लगाते ना. Sometimes I watch movie या sometimes I enjoy movie at my home. But yesterday I enjoyed movie in cinema. ठीक है. Sometime I enjoy movie at home, but yesterday I want to go in Selma. I went to cinema. मैं जाना चाहती थी सेल्मा. I wanted to go to cinema. ठीक है. चलो अब यहाँ पे आपको एक छोटी सी मिस्टेक नजर आ गई go और went की. तो हम इसी मिस्टेक को पिक करते हैं और कोशिश करते हैं कि ये मिस्टेक दोबारा से नहीं हो. सही है. तो पहले go और went की प्रैक्टिस करते हैं. ठीक हो गया. तो गो मतलब went to भी लिखना है. went to. अच्छा गो. अच्छा टू जो हम यहाँ पे लगा रहे हैं ना, मैं चाहता हूँ आप इस बात को यहीं पे एड्रेस कर दो, इसी को यहीं पे समझ लो. टू जो है, टू का मतलब है प्रेपोजिशन. टू आपको बहुत अलग अलग जगह पे नजर आएगा. जैसे हमने ऊपर पढ़ा था लास्ट क्लास में, हैव टू मतलब के इम्पोर्टेंट काम है. सो हैड टू मतलब पास में इम्पोर्टेंट था. गो टू, वेंट टू, वॉन्ट टू. Want to be एक अलग चीज है. आगे लिख भी देता हूँ ताकि आपको ये कंफ्यूजन नहीं हो, यहीं पे ये इशू रिजॉल्व हो जाए. सही है. या फिर आगे है एक और wanted to. तो go के साथ to लगा देंगे. सर जब ये है WANT want to, इसका मतलब तो चाहना है ना. बिल्कुल. और इसका मतलब है went to का मतलब है जाना. बिल्कुल. ठीक है. मैं आपको थोड़ा सा और इसके अंदर क्लैरिटी दे देता हूँ. देखो टू यहाँ पे हम क्यों लगा रहे हैं? गो के साथ हम टू लगाते हैं डायरेक्शन के लिए. मिसाल के तौर पे मैं जा रहा हूँ, लेकिन मैं कहाँ जा रहा हूँ? आई एम गोइंग टू ऑफिस. मैं ऑफिस की तरफ जा रहा हूँ. तो यहाँ पे टू जो है वो यूज हो रहा है ऐसा डायरेक्शन. सही है. जैसे कि आई गो टू पार्क. मैं जाता हूँ कहाँ? पार्क जाता हूँ. तो मेरी डायरेक्शन किधर है? पार्क की तरफ है. सो हम जब भी टू लगाते हैं सेंट गो के साथ या वेंट के साथ, तो मतलब होता है हमारा डायरेक्शन, कि भाई हमारा जो एक्शन हो रहा है वो इस डायरेक्शन में हो रहा है. गेटिंग इट? फॉर एग्जाम्पल मैं बोलना चाह रहा हूं कि मैं शॉपिंग के लिए जाता हूं या मैं मार्केट जाता हूं. मैं मार्केट जाता हूं. सो मैं क्या बोलूंगा? आई गो. मैं कहाँ जाता हूँ? मार्केट जाता हूँ. तो मैं बोलूंगा आई गो टू मार्केट. टू का मतलब है कि ये डायरेक्शन, ये जो मेरी मूवमेंट है ये किस डायरेक्शन में? ये मार्केट की डायरेक्शन में. तो टू शो करता है डायरेक्शन को. क्लियर सर? टू यहाँ पर प्रीपोजिशन नहीं है. टू प्रेपोजिशन है. एग्जैक्टली. यहाँ पर ये टू प्रेपोजिशन है जो डायरेक्शन को शो कर रहा है. एक्शन नहीं है, इट्स अ प्रेपोजिशन. सही है. मिसाल के तौर पर आप जा रहे हो ऑफिस. सही. तो टू क्या शो कर रहा है? टू शो कर रहा है डायरेक्शन को. गो, आई गो, लेकिन मैं कहाँ जा रहा हूँ? मैं ऑफिस जा रहा हूँ. तो इसलिए मैं यूज कर रहा हूँ टू, कि मेरी जो डायरेक्शन है, मेरे जो जाना है वो ऑफिस की तरफ है. जब मैं निकल रहा हूँ रास्ते में तो बहुत सारी चीजें आ रही हैं, लेकिन मैं कहीं पर रुक नहीं रहा. रास्ते में मार्केट भी आ रही है, बस स्टॉप भी आ रहा है, बैंक भी आ रहा है,
हॉस्पिटल भी आ रहा है, लेकिन मैं कहीं पे भी नहीं जा रहा, तो मैं यहाँ पे आप ऑफिस जा एट रहा लगा सकते हैं, एट लगा हूँ। सकते हैं यहाँ पे? नहीं नहीं नहीं, नहीं, क्योंकि यहाँ पे आपकी जो ट्रेवलिंग है वो ऑफिस की डायरेक्शन में हो रही है, इसलिए आप यहाँ पे टू लगाओगे, एट नहीं लगाओगे। यहाँ पे टू का मतलब है कि आप चले और आप इस डायरेक्शन में मूव कर दें, लेकिन एट का मतलब है कि आप वहां पर हो। आई एम एट माई ऑफिस, मतलब मैं ऑफिस के अंदर हूँ, मेरी कोई डायरेक्शन नहीं हो रही, किसी डायरेक्शन किसी जगह मूवमेंट नहीं हो रही, बल्कि मैं ऑफिस के अंदर हूँ। लेकिन अगर मैं बोलता हूँ आई गो टू ऑफिस, मतलब मैं जा रहा हूँ ऑफिस की तरफ, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, ऑफिस की डायरेक्शन में जा रहा हूँ, तो टू का मतलब होता है कि जो एक्शन है वो किसी डायरेक्शन में हो रहा है। मिसाल के तौर पर हम बोलते हैं टॉक टू मी, ठीक है। बहुत सारे लोग हैं लेकिन बात करो, किससे बात करो, मुझसे बात करो, टॉक टू मी मतलब मेरी डायरेक्शन में बात करो। हम बोलते हैं लिसन टू मी, मतलब ठीक है। मिसाल के तौर पे मुझे अभी बहुत सारी आवाज आ रही है, बाहर ट्रैफिक के शोर की आवाज आ रही है, अंदर कुछ काम चल रहा है उसकी भी आवाज आ रही है, मुझे आपकी भी आवाज आ रही है, लेकिन मेरी जो लिसनिंग सेंस है वो किसकी डायरेक्शन में फोकस कर रही है, आपकी डायरेक्शन में, तो मैं आपको सुन रहा हूँ, तो आई एम लिसनिंग टू यू। जैसे कि अभी आपको मेरी आवाज भी आ रही है, आपको अपनी घर की जो बेल बज रही है उसकी आवाज भी आ रही है, बच्चों की आवाज भी आ रही है, लेकिन आप मुझे सुन रहे हो, सो आप बोलोगे आई एम लिसनिंग टू यू, तो मेरी जो लिसनिंग है वो किस डायरेक्शन में हो रही है, आपकी डायरेक्शन में हो रही है, इसलिए मैं टू का इस्तेमाल कर रहा हूँ। जैसे कि हम बोलते हैं आई लिसन टू म्यूजिक, तो मैं सुन रहा हूँ, मैं बहुत सारी चीजें सुन रहा हूँ एक साथ, हम बहुत सारी चीजों को सुनते हैं, लेकिन मेरा जो ध्यान है वो म्यूजिक की तरफ है, मेरी जो लिसनिंग है वो म्यूजिक की डायरेक्शन में, तो टू का मतलब यहाँ पे श्योर है कि आपके एक्शन की डायरेक्शन किस तरफ हो रही है। आई एम गोइंग टू ठीक मार्केट, आई एम लिसनिंग टू म्यूजिक, यू मस्ट टॉक टू मी, तो टू का मतलब डायरेक्शन होती है। क्लियर हुआ यहाँ ठीक पे? है जी। चलो आई होप कि अब टू वाली मिस्टेक नहीं होगी, सही है? तो इसलिए हम गो के साथ टू लगाते हैं, बताना चाहते हैं कि भाई हम यहाँ जा रहे हैं, हम इस डायरेक्शन में काम कर सही हो गया। चलो सो पहले सबसे पहले गो के सेंटेंस बनाते हैं, फिर वेंट के बनाएंगे, फिर वॉन्ट के बनाएंगे, फिर वॉन्टेड टू के बनाएंगे। गो का मतलब आप जाते हो, वेंट का मतलब आप गए थे, जी वॉन्ट टू का मतलब आपको ये चीज चाहिए या आपकी रिक्वायरमेंट है, और वॉन्टेड टू मतलब आपको ये चीज चाहिए थी, सही है? पहले ठीक है। मेरे सेंटेंस को ऑब्जर्व करो, फिर अपने सेंटेंस को। सो आई गो टू, अच्छा मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं आम जिंदगी में अपनी डेली रूटीन के अंदर कहाँ कहाँ जाता हूँ, सही? ठीक सो समटाइम्स आई गो टू सिनेमा, एंड आई ऑलवेज गो टू माई ऑफिस इन द मॉर्निंग, आई समटाइम्स विजिट माई फ्रेंड्स होम, आई गो टू देयर होम्स, एंड आई यूजली गो टू पिकनिक ऑन वीकेंड्स, आई एवरी डे आई गो टू शॉप टू बाय मिल्क फॉर माई चिल्ड्रंस, आई गो टू माई फादर्स क्लिनिक इन द मॉर्निंग, एंड एट नाइट आई गो टू जिम बिफोर डिनर, सही है? अब मैं जी बताऊंगा कि कल मैं कहाँ कहाँ गया, तो मैं क्या बोलूंगा गो के बदले? वेंट वेंट टू, सो येस्टरडे आई वेंट टू पार्क फॉर जॉगिंग, येस्टरडे आई वेंट टू माई कजन्स हाउस, एंड आई वेंट टू ऑफिस येस्टरडे एट 12 o'clock, आई वेंट टू मार्केट टू बाय सम ग्रोसरीज एंड फ्रूट्स फॉर माई फैमिली मेंबर्स, येस्टरडे आई डिड नॉट गो टू जिम, आई वेंट टू सिनेमा 5 years अगो, आई वेंट टू डॉलमेन मॉल 2 years अगो, आई वेंट टू अलादीन पार्क आई थिंक 3 years अगो, सही हो गया? अब मैं बताना चाहूंगी जो चीज मुझे चाहिए, वॉन्ट टू, एक है वेंट और एक है वॉन्ट, एक में ई है एक में ए, वेंट एंड वॉन्ट, वॉन्ट सो वॉट, आई वॉन्ट टू बाय अ लैपटॉप, आई वॉन्ट टू बाय अ न्यू लैपटॉप, आई वॉन्ट टू ईट पिज्जा इन डिनर, आई वॉन्ट टू वर्क ऑन माई बॉडी, आई वॉन्ट टू डू सम एक्सरसाइज एवरी डे, आई वॉन्ट टू गेन सम मसल, आई वॉन्ट टू गेन सम वेट, आई वॉन्ट टू बी स्ट्रॉन्ग, आई वॉन्ट टू बी एक्टिव, आई वॉन्ट माई चिल्ड्रंस टू लिसन टू मी, आई वॉन्ट माई चिल्ड्रन टू लिसन टू मी, आई वॉन्ट माई फैमिली मेंबर्स टू बी हैप्पी ऑल द टाइम, आई वॉन्ट टू बाय माई ओन हाउस वन डे इंशाल्लाह, आई वॉन्ट टू बाय अ न्यू सेल फोन, आई वॉन्ट टू बाय अ कैमरा फॉर माई यूट्यूब चैनल। अब मैं बात करने वाला हूँ वॉन्टेड, ऐसा कोई चीज जो मुझे चाहिए थी पास के अंदर, सही है? Yesterday, I wanted to sleep for 3 hours in the morning. Yesterday, I wanted to go to cinema, but I did not go. Yesterday, I wanted to talk with my grandmother, but she was busy. Yesterday, I wanted to spend time
with my father, but he was in his clinic. Yesterday, I wanted to buy some clothes for my wife, but I did not have money. Yesterday, I wanted to play football, but all of my friends were busy. Yesterday, I wanted to download a movie, but my internet was not working. सही हो गया? अब आपके बारे में. अब पहले गो के बारे में बात करो. सिर्फ गो पे रहो. क्या आप रोजमर्रा की जिंदगी में आमतौर पे कहाँ कहाँ जाते हो? Today I go to the hospital. अच्छा today नहीं, आमतौर पे. आमतौर पे. Usually I go to the market for shopping. Sometime I go to. अच्छा sometime नहीं है, sometimes sir. Sometimes. Sometimes ना sir. जी sometimes. Yes sir, I can. जी. Sometimes I go to Lucky One. For shopping, every day I go to the imtiaz. Sir, yehi bolenge. Bilkul. Every day I go to the imtiaz. Every day I go to gym. Every day I go to the park. I go to the park, hoga sir. बिल्कुल सही है. एवरी डे आई गो टू ड्रॉप एंड पिक विद माय चिल्ड्रंस माय चिल्ड्रंस. एवरी डे आई लर्न माय चैनल. ओके अच्छा, हम गो टू पे रहेंगे, लर्न पे नहीं जा रहे. गो टू की प्रैक्टिस कर रहे. सही. अच्छा चलो ठीक है. अब आप वेंट पे आओ, मतलब बताओ कि पास्ट में आप कहाँ कहाँ गए. I went to perform Umrah last year. I went to perform Hajj 3 years ago, and I went to Quetta last year. Thursday. Okay. Okay. अब आते हैं want to, मतलब आपको क्या चीज चाहिए. I want to a laptop, new laptop. I want to buy a new laptop. I want to buy a new car. I want to buy a new iPhone. I want to big house. I want to make a trainer. I want to make a trainer. ये मैं समझा नहीं आपकी बात. I want to become a trainer, right? Become a trainer, ठीक है. I want to become a trainer. Fine. अब हम जाते हैं wanted to पे. ऐसा कोई काम जो आपको, ऐसे कोई चीज जो आपको चाहिए थी, आपकी past desires, आपकी past requirements जो आपको नहीं चाहिए या पूरी हो गई. I wanted to सर इसके साथ जाने को कौन सा क्या लगाएंगे सर. गो आई वांटेड लगा देते, फिर दोबारा से वेंट नहीं लगाएंगे, गो लगाएंगे. दो सेकंड फॉर्म एक साथ नहीं आती. सो आई वांटेड टू गो जापान. आई वांटेड टू गो तुर्की. आई वांटेड टू गो सी साइड लास्ट ईयर, बट द कोरोना. But because of COVID-19, I did not go. Okay, I did not go. I want to go. I wanted to go Lucky One, but my car was not good. That's I didn't go there. I wanted to go Eureka, but my course is completed. Was completed, so I did not go there. ओके ठीक हो गया, बेस्ट हो गया. सो अब आपने छोटा सा काम ये करना है कि पहले इस तरह के जो सेंटेंस मेकिंग है इसकी वॉइस रिकॉर्डिंग करनी है, और पॉसिबल हो तो उसको नोटबुक पे लिखना है, और उसके बाद वो दोनों असाइनमेंट्स मुझे सेंड करनी है ताकि आप इसकी प्रैक्टिस कर सको और ये गलती दोबारा से रिपीट नहीं. ठीक है सर, ये चारों के ना सर लिखना.
अच्छा ये जो क्लास है ये मैंने रिकॉर्ड की है, ये क्लास जो है आपको 1 घंटे के बाद 9:30 बजे तक, राइट। सो 1 घंटे के बाद अब मैं इसका लिंक आपको शेयर कर दूंगा, अब उसको दोबारा से कल की क्लास से पहले पहले इस वाले क्लास के लेक्चर को रिव्यू कर लेना, ताकि जब हम कल की क्लास में जाएं तो हम इसको आगे लेके चल सकें और टॉपिक को आगे और ज्यादा स्पीकिंग कर सकें, उसको अप्लाई कर सकें, सही है। तो अच्छा आपने ठीक है करना सर, ये है कि अपने क्लास का एक मतलब ओवरव्यू लेना है जल्दी से कि हमने कल की क्लास में क्या क्या पढ़ा था, ताकि आपकी मेमोरी रिफ्रेश हो जाए, फिर आप जब क्लास में आओ तो आपको पता हो आपकी जो बेसिक अननेसेसरी मिस्टेक्स हैं वो नहीं। ठीक ठीक है, हो गया। जी सर, सो पहले मैं आपको एक फॉर्मेटिव बना के देता हूँ, फिर हम उसी को नजर में रखते हुए प्रैक्टिस करेंगे, फिर राइटिंग आप बाद में कर लेना, आपको टाइम दे दूंगा नोट करने का, क्लास के अंदर आपने बोलना है। सो ठीक है यूजली आप लगा सकते हो रोजमर्रा के लिए, सही है, या फिर आप बोल सकते हो डेली, या फिर आप बोल सकते हो एवरी डे, सही है, या फिर आप बोल सकते हो समटाइम्स, या वंस इन अ मंथ। ये हम डेली रूटीन में बोलेंगे। हाँ मतलब डेली रूटीन ही रिपीटिंग एक्शन, ऐसा काम जो आप बार बार करते रहते हो, चाहे वो महीने में एक मरतबा हो, साल में एक मरतबा हो, घंटे में एक मरतबा हो, या हफ्ते में एक मरतबा हो, सही है। जैसे ठीक है कि वंस इन अ ईयर, जैसे ही मैं बोलना चाह रहा हूँ कि वी गो टू पिकनिक वंस इन अ ईयर, माई फैमिली गोज टू पिकनिक वंस इन अ ईयर, मतलब मेरी जो फैमिली है वो साल में एक मरतबा पिकनिक पे जाती है। सो वंस इन अ ईयर प्रेजेंट फर्स्ट फॉर्म, सर, ठीक हो गया। ठीक तो जब भी हम ये वाले सेंटेंस स्ट्रक्चर यूज कर रहे हैं तो उसके बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, ये हमने डिस्कस किया। और नेगेटिव में क्या लगा देंगे हम, डू नॉट, सही हो गया। तो ये हम अपनी बात कर रहे हैं, डज नॉट पे भी हम जा नहीं रहे, हम बस आपकी बात कर रहे हैं। उसी के साथ साथ जब हम ठीक है पास्ट की बात करेंगे तो हम बताएंगे लास्ट ईयर, आज मेरा कीबोर्ड पता नहीं क्या स्लो हो गया, या फिर अगो लगा देंगे, जैसे कि 5 आवर्स अगो, मतलब 5 घंटे पहले, या फिर 10 डेज अगो, या फिर मंथ के साथ भी लगा सकते हैं, जैसे कि भाई 9 मंथ्स अगो। आप किसी हॉस्पिटल के पास रहते हैं, इतनी एम्बुलेंस जा रही है। नहीं, आज असल में मैं इंस्टीट्यूट पे बैठा हुआ हूँ और यहाँ पे जो है बाहर का गेट खुला हुआ है, ठीक है, या फिर एयर, जैसे कि 9 ईयर्स अगो या मंथ्स अगो। अच्छा ये अगो के साथ इम्पोर्टेंट बात जो है वो ये, अगो के साथ हमेशा हम टाइम का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि नंबर्स का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि अगो के साथ अब लगाओगे ठीक एट है नाइन टेन ट्वेल्व जुलाई अगो, या अल्लाह भला करे 2020 अगो नहीं बोलोगे, सही है, या फेबरी अगो नहीं बोलोगे, आप उसका नंबर लगाओगे, जैसे कि 5 4 6 7 8, 5 ईयर्स अगो, 5 मंथ्स अगो, 5 आवर्स अगो, 5 मिनट्स अगो, इस तरह का इस्तेमाल करोगे, सही हो गया। ठीक है और इसके अंदर आप क्या यूज करोगे, सेकेंड फॉर्म का इस्तेमाल करोगे, और नेगेटिव में डिड नॉट के साथ फर्स्ट फॉर्म। ये हमने बहुत पहले भी पढ़ा हुआ है कि डिड नॉट के साथ कभी भी हम सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल नहीं करते, डिड नॉट के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म यूज होती है, राइट। दो सेकंड फॉर्म एक साथ नहीं आती, क्योंकि डिड नॉट खुद एक सेकंड फॉर्म है, तो दोबारा से एक और सेकंड फॉर्म रिपीट नहीं होती, जहाँ पे डिड नॉट लग जाएगा और फिर आप फर्स्ट फॉर्म लगाओगे, सेकेंड फॉर्म को नहीं लगाओगे, याद है वाला लेसन। ठीक है चलो आगे चलते, अब मैं चाहता हूँ कि इसको नजर में रखो, इस फॉर्मेट को नजर में रखो और मुझे बताओ पहले प्रेजेंट के बारे में, कि आप रोजमर्रा की जिंदगी में, अपनी नॉर्मल जिंदगी में आप क्या क्या करते हो, और पास्ट में आपने क्या क्या किया, लास्ट ईयर 10 डेज अगो, 20 डेज अगो, और सम टाइम यूजली ऑलवेज, सबको मर्ज करते हुए बोलने की कोशिश करो। अच्छा डोंट वरी अबाउट मिस्टेक्स, मिस्टेक्स हो तो टेंशन नहीं ले, बस बोले, बस कोशिश करें कि आप बोल लें, मिस्टेक्स हो जाएगी वो ऐसे ऐसे खुद ना खुद ही सही होगी, तो अब ये नहीं बोलना कि मैं सही बोल रही हूँ गलत बोल रही हूँ, दैट्स ओके, अभी बोलो, सही है। Usually I go to the shopping. Daily I am drink 2 cup of tea. Every day I am watch TV.
अच्छा एम नहीं लगा रहे, सही ना? देखो एम नहीं लगा हुआ, बस आई वॉच टीवी, आई गो, आई प्ले, आई रीड, एम नहीं कहेंगे। Sometime I go to dinner with outside. Sometime I go to the dinner super highway. Sometime I go to the shopping lucky one. Once of the month I go to the park. Once of the year I go to the hospital for my checkup. Usually I go to fish market, but daily I go to grocery purchase, buy grocery, yeah, purchase grocery. Every day I am drink coffee because the winter is come. Every day I drink coffee. Sometime I eat fish, but nowadays I am eat daily fish because winter is come. Once of the month I am go to the outing. Once of the year I am go to the outside of the country. Or some. हाँ अच्छा, क्लास के बाद जब आप इस रिकॉर्डिंग को सुनोगे तो अपनी गलती को थोड़ा सा ऑब्जर्व करना, सही है? जैसे कि जहाँ जब आई एम बोल रहे हो, अब इसको नोट करना और फिर इसी को वॉइस रिकॉर्डिंग करके इस मिस्टेक को रिमूव करके दोबारा से मुझे सेंड करना व्हाट्सएप पे, सही है? चलो लास्ट ईयर आई वेंट टू गो गो क्वेटा. Last year I went to make biryani. अच्छा यहाँ पे मैं थोड़ा सा इंटरप्ट करता हूँ. Went to make biryani, went to cook koita, wanted to या went to? Went to मतलब होता है जाना, all right? Wanted to मतलब चाहना. अब क्या बोलना चाह रहे हो? जाना था, went to. जाना. अब koita गए तो went to के साथ go तो नहीं लगाओगे ना? अच्छा. है ना? Go मतलब present, went to मतलब past. So last year I went to Quetta. Last year I went to Quetta और फिर I made biryani होगा. Went to biryani नहीं होगा, made biryani होगा. Normal जिंदगी के अंदर make और past action के अंदर made. ठीक है. Last year I went to Quetta. Five hours go लगाएंगे सर, इसके साथ भी 5 hours of go. Yes. 5 hours ago, I made biryani. 10 days ago, I went to Lucky One. Last month, I go to park. I went to park. Last year, I went to my village. Sir, और क्या? सर और बोलूं? बस ठीक है, ओके, enough. अब आपने इसकी करनी है प्रैक्टिस और आपने जो है ये करना है कि इस ऑडियो स्पीच हमारी जो क्लास थी इसको गौर से सुनना है, इसमें जो मिस्टेक्स हैं वो आपने फिर कोशिश करनी है कि आप रिपीट नहीं करो, और इस मिस्टेक को सुनने के बाद यही जो आपने मुझे बोला इसी के द्वार से वॉइस रिकॉर्डिंग करनी है और मुझे दिमाग में ये सब चीजें घुमाती रहती हूँ, कहाँ क्या चीज यूज होगी. चलो अच्छी, आप मुझे इसकी वॉइस रिकॉर्डिंग करके वापस सेंड करोगे. देखो जितना ज्यादा आपने स्पीकिंग करोगे उतना अच्छा है. तो अभी अपने क्लास के अंदर प्रैक्टिस की, क्लास के फौरन बाद इस आपने कल की क्लास से पहले पहले इस ऑडियो को, इस क्लास को सुनना है और फिर यही असाइनमेंट दोबारा से वॉइस रिकॉर्ड करके मुझे सेंड करना है. तो आपकी दो प्रैक्टिस हो जाएगी, क्लास के अंदर और एक क्लास के बाहर. फिर हम कल इसी टॉपिक को आगे लेके चलेंगे और ऑब्जेक्टिव ये होगा कि जब ये टॉपिक हमारा खत्म हो तो आपके आपके पास्ट और प्रेजेंट के अंदर मिस्टेक्स होना भी खत्म हो जाए. जी सर. ठीक है, सेट है सर, थोड़ा उतार लूँ उसको.